दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। साथ में जो आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है, यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय आपने देखा होगा, जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं वैसे केंद्रीय विद्यालय होते हैं, यहाँ पे जो केंद्रीय विद्यालय में जो न्यू कैंट प्रयागराज की तरफ से भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर जो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर 2 फरवरी क्या मतलब कि 6 फरवरी 2024 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 6 फरवरी 2024 को जो आपको कंप्यूटर अनुदेशक हो गया, स्नातक आपको PGT कंप्यूटर साइंस हो गया, यहाँ पर ये पूरा काउंसलर हो गया ये, है ना। तो यहाँ पर जो है ये संविदा की नौकरी, यहाँ पर लिखा पूर्णतः इसमें अंशकालीन इसमें होगा ये। और इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको पता है कि वैकेंसी से रिलेटेड ही जानकारी दी जाती है, अन्यथा कोई जानकारी है ना इसमें जो है उल्टी सीधी नहीं दी जाती, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये TGD PGD सभी पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जो इच्छुक आवेदक अगर आवेदक करना चाहते हैं तो 25 जनवरी 2024 तक इसमें जो आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये आपको जो है यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट की PDF बना के इस वाली ईमेल ID पे आपको सेंड कर देनी है। और आपका सिलेक्शन अगर हो जाए तो प्लीज़ जरूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है विद्यालय में जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहाँ परफॉर्मा आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर PDF बना के जो है परफॉर्मा लगा के और सारे डॉक्यूमेंट की PDF बना के इस वाली ईमेल ID पे आप ये सेंड कर दीजिएगा। बार बार बच्चों कमेंट आ रहे हैं, सर एक बात बताइएगा, आपने अभी पीछे कुछ दिन पहले एक वैकेंसी बताई थी यहाँ पर जो है सपोर्ट पर्सन की, यहाँ पर लिखा हुआ सपोर्ट पर्सन की वैकेंसी बलरामपुर से आई थी और यहाँ पर जो है आ गई थी, यहाँ पर जो है ये इसी तरीके से यहाँ पर जो है सैलरी इसे 15,000 रुपये मिलेगी। तो ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपने देखा बलरामपुर हो गया, ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट है ये, और आपका जो अमेठी डिस्ट्रिक्ट हो गया अमेठी आपने अब सुना ही होगा, ये साथ में डिस्ट्रिक्ट आपका जो है श्रावस्ती, ठीक है। यहाँ पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया किसके लिए, केवल सपोर्ट पर्सन के लिए। बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा यार सपोर्ट पर्सन होता क्या है ये, है ना। तो यहाँ पर ये जिला प्रोविजन अधिकारी अमेठी, तो एक आप मैं पढ़कर बता रहा हूँ, एक आपको उसी तरीके से तीनों जिले के ऐसी फॉर्म एक ही जैसा, ठीक है। सपोर्ट पर्सन यहाँ पे जो है बताया गया है, यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है सैलरी आपको इसमें जो है 15,000 रुपये प्रतिमाह इसमें दी जाएगी, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर जो है 15,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी इसमें। और तो और इसमें जो आपको जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा परिचय पत्र जिसको आप बोलते हैं आई कार्ड मतलब आइडेंटिटी कार्ड इसमें मिलेगा, जिसमें आपको लिखा होगा सपोर्ट पर्सन सहायक व्यक्ति जनपद का नाम, यहाँ पर जिस जनपद से आप आवेदन करेंगे वहाँ पर ये यहाँ इस तरीके से यहाँ पर जो ये आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर मोहर लगेगी अधिकारी की, और यहाँ पर फोटो लगाएगा आपका अपना और इस आपको सपोर्ट पर्सन यहाँ पर जो ये बताया गया। तो यहाँ फॉर्म भर दीजिएगा, अच्छी नौकरी है ये, फॉर्म आपको जो है यहाँ से इसको जो है आवेदन का प्रारूप ये है, इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है पूरा यहाँ पर जो है ये यहाँ पर इस तरीके से आपको फॉर्म भर कर और जमा कर देना है। बलरामपुर जो आपको जिला हो गया ये, है ना, आपका अमेठी भी मैंने आपको दिखा दिया, श्रावस्ती दिखा दिया। तो यहाँ पे क्या है ये बाल संरक्षण योजना होती है सरकार के द्वारा, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर जो है 6 सपोर्ट पर्सन एक गाँव में रखे जाएंगे, यहाँ पर लिखा गया यहाँ पर जो है ये। तो फॉर्म आपको जो है 25 जनवरी 2024 तक इसमें भर देना, अभी आपके पास टाइम है। अब आप कहेंगे भैया फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, फॉर्म जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पर जाके इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जो डाउनलोड कर लेना है फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको जो है भर के जमा कर देना 25 जनवरी 2024 तक से, उससे पहले पहले आपको जमा कर देना। यहाँ पर जो है सपोर्ट पर्सन के नाम से वैकेंसी सरकार की योजना होती है, आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो है। और तो और ये जो आपका अमेठी हो गया ये यहाँ पे यहाँ देखो अधिकारी के साइन भी दे रखे हैं, यहाँ पर जो है अमेठी में 23 जनवरी तक इसमें जो आवेदन कर सकते हैं। और ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाकर ये फॉर्म आप ये डाउनलोड करके भर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एड्रेस भी दिया हुआ है, पूरा एड्रेस यहाँ पर जो है ये पूरा एड्रेस आप ये पढ़ दीजिएगा। सारे जो आपको जो पंजीकृत डाक के द्वारा इसमें आवेदन करना पड़ेगा, पंजीकृत डाक आप सभी जानते हैं, है ना, रजिस्ट्री कर दीजिए, या आपको जो ये साधारण डाक होती है डाक टिकट वाली वहाँ से कर दीजिएगा, ठीक है। स्पीड पोस्ट हो गया या फिर कैसे भी, तो ये फॉर्म पहुँच जाएगा आपको जो है। और दो सपोर्ट पर्सन के लिए क्या क्या इसमें योग्यता है, ये आप ये पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो पूरा ब्यौरा यहाँ पर जो है ये पढ़ लीजिएगा आप। ये बच्चे बोलते सर आप जो है बहुत तेज बोलते हैं तो सुनाई नहीं देता, इसलिए मैं आप जो हूँ अब मैं इसमें हल्का हल्के बोल रहा हूँ। साथ में जो है अमेठी के साथ साथ जो है ये आपको श्रावस्ती का भी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दिखा दी, सैलरी आपको 15,000 रुपये इसमें प्रतिमाह आपको मिलेगी। जैसा कि आपने जो है वो थंबनेल में देखा होगा कि यहाँ पे शिक्षा विभाग का आवेदन जो है यानी मतलब क्या जो विज्ञापन आया था उसको निरस्त कर दिया गया। तो विज्ञापन कौन सा मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो है ये अब नए सिरे से जो है 396 पदों पर जो होगी भर्ती, और 24 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक इसमें आवेदन किए जाएंगे। भर्ती कौन सी है ये जो है, तो मैं आपको याद रखना चाहूँगा यहाँ पर जो है ये JBT मतलब इसमें जो है चंडीगढ़ से भर्ती आई थी। सीधी सी बात मैं आपको समझाता हूँ सीधे शब्दों में, एक चंडीगढ़ से भर्ती आई थी जिसके अंतर्गत जो है ये प्राइमरी वाले जो हैं बीएड वाले प्राइमरी में शामिल कर लिए गए थे, ठीक है। पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश करा तो संज्ञान में लिया, तो उन्होंने कहा है कि नहीं बीएड वाले जो है बाहर ही रहेंगे,
इसमें जो है प्राइमरी भर्ती से, इसलिए जो है विज्ञापन को निरस्त करना पड़ा। और यहाँ पर भी आप ये जो है पढ़ सकते हैं, मतलब आपने थंबनेल में जो चीज़ दिखाता हूँ मैं और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ थे, 293 पदों पर की जो आवेदन प्रक्रिया निरस्त कर दी गई, 293 पदों पर विज्ञापन निकाला गया जिसके अंतर्गत बीएड वाले जो बाहर हो चुके हैं, यहाँ पर जो ये चंडीगढ़ में जो है प्राइमरी भर्ती आई थी उसके लिए यहाँ पर बताया गया है। तो जो है बारी बारी से यहाँ पर जो है तीनों खबर मैंने आपको दिखा दी। बात करते हैं संविदा कर्मचारी को जॉब से किया जाएगा बाहर, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये खबर जो है ये। और जो कुछ दिन पहले आपने देखा हो यहाँ पर जो भर्ती निकाली गई थी, साथ में एडवर्ड कॉलेज के अंतर्गत जो भर्ती निकाली गई थी कंपनी के द्वारा, ठीक है, ठेके होते हैं आपको सभी जानते हैं, कंपनी ठेका लेती है सरकार से और वो कंपनी के द्वारा भर्ती करते हैं, जिस तरीके से यहाँ प्रयागराज में जो वन भर्ती का जो है मेल आ गया 16 तारीख को इंटरव्यू, तो गए होंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस तरीके से यहाँ पर जो है बताया जा रहा था, यहाँ पर जो है ये तो इन्होंने कहा है कि जो है इनका जो मेल आया था और जो है इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो इन्होंने कहा मेरा भी जो है इंटरव्यू लेटर आ चुका 19 तारीख को, इनके लिए भी बहुत बहुत बताइए। तो इनके लिए कहने मतलब क्या, ये सब संविदा में भर्ती हो रही है यहाँ पर जो है। तो मैं आपको इसमें वो दिखाना चाहूँगा यार, माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से हरदोई जनपद से भर्ती आई थी 4th क्लास की, ये इंटर कॉलेज में भर्ती हो रही है जो है ये। तो जो है लड़के वो बहुत टेंशन हो रही है, सर एक बात बताइए, माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो है भर्ती बांदा जनपद से जो है आई थी, तो यहाँ पे आशास की सहायता प्राप्त स्कूलों के अंतर्गत जो है ये आपका चपरासी चौकीदार और सफाई कर्मचारी जो भर्ती निकाली गई थी, तो क्या हम इनको बाद में इनका टेंडर खत्म हो जाएगा तो क्या इनको निकाल सकते हैं, बालाजी एंटरप्राइजर कंपनी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर जो है जिस तरीके से इंटर कॉलेज के अंतर्गत भर्ती चल रही उसी तरीके से आपने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा भर्ती निकाली गई थी यहाँ पर जो है, इसमें जो है आउटसोर्सिंग के द्वारा ये कहीं जो कंडक्टर भर्ती होती है आप सभी जानते हैं, कंडक्टर भर्ती के अंतर्गत इनको निकाल दिया, यहाँ पर लिखा सेवा समाप्त कर दी गई इनकी जो है ये। अब वो क्यों कर दी गई है इसमें जो है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये सरकार को टेंडर डालते हैं, सरकार को है वो टेंडर डालते हैं और टेंडर जब इनका क्लियर हो जाता है और जब टेंडर इनका समाप्त होने को होता है, जब आपको टेंडर समाप्त हो गया इनका कंपनी के द्वारा जो है ये, फिर ये जो है कर्मचारी को हटाने की सोचते हैं। आप जो है भर्ती जो है वो 2023 में आई थी और लिखा हुआ सर आउटसोर्सिंग के वालों का टेंडर खत्म हो गया है और ड्यूटी को जो है मना कर रहे हैं, आप जो है उन्होंने कहा कि घर पर अब आप जाइएगा। जहाँ तक कि जो इन्होंने जो है क्षेत्रीय प्रबंधक जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को जो है उन्होंने कहा है कि सोशल लगातार और आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा जो भर्ती हो रही है, खासतौर से ये ऐसे एंटरप्राइजर कंपनी है ना, ये सबसे ज़्यादा ये है सुर्खियों में रहती है क्योंकि यहाँ पर जो पैसे लेके भर्ती करती हैं सब ऐसे है ना। तो यहाँ पर कहा इनको जो कंपनी के द्वारा जो अनुबंध समाप्त हो गया है, जब कंपनी का ठेकेदार से अनुबंध कहने मतलब क्या है, जो ये सरकार के द्वारा ये माध्यमिक स्कूलों में एक टेंडर डाला जाता है, टेंडर के द्वारा भर्ती कर रहे हैं और जब टेंडर समाप्त हो जाता है तो उनको निकालने की सोचते, पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि जो है मेरे वीडियो को आप शेयर तो करते नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक तरीके से क्या ये अधिकारी के बीच में रहता हूँ यहाँ पर जब मीटिंग चलती रहती है और यहाँ पर जो है आप वीडियो को शेयर तो करते नहीं है, तो आपके साथ ऐसा नहीं हो इसमें होगा क्योंकि वो कंडक्टर भर्ती थी, पर मैं जो आपके साथ ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहूँगा मैं इसमें जो है तो नहीं होने दूंगा, ठीक है। और वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिएगा और आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है ये और खुद एक अधिकारी के रूप में जो है मैं खुद यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो आपको जो है इसमें नहीं निकाला जाएगा, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस, थैंक यू वेरी मच।